हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट मोर्टार यूज्ड फॉर पॉइंटिंग? मीन्स जो हम टीप भरते हैं उसमें सीमेंट मसाले का क्या रेशियो यूज़ करते हैं? फ्रेंड्स, पॉइंटिंग को हम नॉर्मली लैंग्वेज में टीप बोलते हैं, जो हम टीप भरते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम 1:2 to 1:3 का सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स 1:2 का मोर्टार हम यूज़ करते हैं टीप भरने में। फ्रेंड्स, नॉर्मली पॉइंटिंग हम उन वॉल्स पर करते हैं जिन पर हमें प्लास्टर नहीं करना होता, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो चिनाई करते वक्त थोड़े हॉलो रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, उनमें पोर्स रह जाते हैं, उनको अच्छे से फिलअप करने के लिए ही हम पॉइंटिंग करते हैं, जिससे हमारी दीवार मजबूत हो जाती है, सीलन नहीं जाती, हमारे पोर्स जो होते हैं वो अच्छे से फिल हो जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट यूज्ड इन फ्लोरिंग? मीन्स फ्लोरिंग में जो हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका क्या रेशियो रखते हैं? तो फ्रेंड्स, फ्लोरिंग में जो हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका रेशियो 1:1.5:3 to 1:2:4 यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है हमारी साइट की सिचुएशन क्या है, मीन्स सॉइल कैसी है, लोड क्या आएगा, इन चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस रेशियो की सीमेंट कंक्रीट यूज़ करनी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्लंप वैल्यू ऑफ सीमेंट कंक्रीट यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन? मीन्स जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं उसकी स्लंप वैल्यू क्या होती है? तो फ्रेंड्स, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सीमेंट कंक्रीट की स्लंप वैल्यू 25 mm to 75 mm तक होती है, जो हमारी डिपेंड करती है हमारे रोड का डिज़ाइन क्या है, रोड कैसे एरिया में बन रहा है, क्या अलाइनमेंट है, किस टाइप से बनाने जा रहे हैं, हमारा वेदर की कंडीशन क्या है, एंड एक्सेट्रा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज़ एडेड इन लाइम फॉर वाइट कोट? मीन्स जो हम वाइट कोट करते हैं उसमें जो हम लाइम यूज़ करते हैं उसमें उसका पेस्ट या सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कितना वाटर यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, लाइम को नॉर्मली जो हम वाइट कोट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कलई भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम लाइम में हम अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमारा अच्छा कोट करता है 5 लीटर पानी मिलाते हैं। मीन्स 1 किलोग्राम लाइम में 5 लीटर पानी मिलाकर हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तब हम वाइट कोट करते हैं, जो हमारा एकदम अच्छा कोट आता है। एंड फ्रेंड्स, लाइम को हम चूना भी कहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? तो फ्रेंड्स, BIS की फुल फॉर्म है बी फॉर ब्यूरो ऑफ, आई मीन्स इंडियन, एस फॉर स्टैंडर्ड, मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।